बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले चावल के लिए मैंने 1 टीस्पून सौंफ ले ली है और 2 टेबलस्पून मैंने ये मेथी दाना ले लिया, इसको भिगो दिया है पानी में। गुड़ ले लिया और 2 गिलास चावल हैं ये। अब सबसे पहले मैं पानी रखने लगी हूँ गुड़ के, गुड़ की चास निकालने के लिए। पचास ग्राम का था ये डब्बा ये गुड़ का, तो इसमें से मैंने आधा गुड़ डाला है, आधा रहने दिया है। अब इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि कितना जाएगा, क्योंकि पहली दफ़ा बना रही हूँ मैं। और 2 गिलास चावल थे ये वाले, 3 गिलास मैंने पानी डाला है इसमें, क्योंकि पतीले छोटी है, फिलहाल इतना ही पानी जाएगा इसमें। बाद में देखेंगे नाप कर, तो अगर कम हुआ तो थोड़ा सा और पानी डाल लेंगे चावल में। गुड़ को मैंने रख दिया अच्छी तरह पिघलेगा। चलें अभी स्टार्ट करते हैं। गुड़ हमने रख दिया है, तकरीबन हो ही गया है पानी, लेकिन अभी भी थोड़ा सा है कुछ कुछ इसमें ना, ये देखें थोड़ा और मेल्ट हो जाए ये भी जो थोड़ा सा रहता है। तो फिर इधर हमने रख लिया है ये पतीला, शुरू करने लग गए हैं। बिस्मिल्लाह, एक कटोरी मैंने ऑयल की डाली है, छोटी वाली ये वाली कटोरी ऑयल की डाली है। थोड़ा सा हम इसमें प्याज डालेंगे कलर निकालने के लिए। मेरी मम्मी बनाती होती थी तो उनको देखा था मैंने बनाते हुए ना। प्याज का तड़का लगाएंगे, कलर अच्छा निकलेगा। ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा सा कलर के लिए। ये मीडियम साइज का प्याज था, आधा प्याज था, आधे से भी मैंने आधा डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। इसको ब्राउन करेंगे। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही है। ये देखिए हमने पौधे लगाए हैं, क्योंकि ये जगह जो है हमारी ये पीछे से इसमें पानी आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा गीली गीली रहती है, तो पौधे कोई लगाएं तो होते नहीं, इसलिए हमारे पास ये टायर पड़े थे। तो हमने इसमें ये खाद और मिट्टी डाल के बीज डाल दिए हैं और ये कुछ गमलों में लगाए हैं। तो जब जैसे ये निकलेंगे, फिर हमने जहाँ लगाने हुए गमलों में से निकाल के लगाएंगे। ये मैंने लहसुन लगाया था, लहसुन देखे निकल आया, देखिए लहसुन अभी निकल रहे हैं आस्ते आस्ते। इधर नीचे भी लगाया धनिया वगैरह, अभी आस्ते आस्ते निकलेंगे। और ये देख जगह साफ की है मेरे बच्चों ने, इधर से देखिए पानी खड़ा हुआ, ऐसे ही पानी खड़ा हुआ होता है बाहर घास पे। और बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। अच्छा हुआ, हरी हरी घास हुई हुई है सब तरफ। ये हमारे कबूतर हैं। आज हमने इधर चूल्हा बनाना है इस जगह हमने, तो अभी हम लेके आएंगे, बाजार जाएंगे, मेरा बेटा उठेगा, ब्लॉक वगैरह लेके आएंगे इंटे। तो फिर हमारे पास लकड़ियाँ बड़ी हैं इधर, ये देखें यहाँ पर। तो कभी कभार हम लोग यहाँ बाहर खाना बनाया करेंगे। ब्राउन नहीं हुआ है बिल्कुल, जैसे हम तड़के वाले चावल बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, उसके लिए हम लोग प्याज ब्राउन करते हैं, इसी तरह इसका भी प्याज हमने ब्राउन करना है कलर निकालने के लिए, क्योंकि गुड़ वाले चावल वाइट नहीं होते, ब्राउन कलर होता है उनका। ये गुड़ हमारा तैयार हो गया, यहाँ पे इसकी चाशनी सही खुल गया। अब मैं ये बंद करने लगी। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, थोड़ी सी और मज़ीद हमने ब्राउन करना है इसको भी। हमारी ब्राउन हो गई है, हमें पानी डालना है इसमें, ढक्कन पहले रख दिया है। प्याज
अब मैं इसमें डालूँगी सौंफ, डालूँगी 1 टीस्पून सौंफ की। मेथी डाल दूंगी, मेथी 2 टेबल स्पून चाहिए। तो सर्दियों में बड़े अच्छे होते हैं, कहते हैं चावल अच्छे होते हैं कमर में दर्द हो या कुछ। थोड़ा सा उनको भून लें हम मेथी दाने को, फिर हम इसमें पानी डालेंगे। 3 गिलास मैंने पानी डाला था इसमें घर में, और चावल 2 गिलास हैं, उस हिसाब से 3.5 गिलास पानी डालते हैं। तो मैं 4 गिलास डालूंगी, क्योंकि ये मेथी सीप जो हैं उनको भी हमने थोड़ा सॉफ्ट होना है, तो फिर तो इसलिए पूरे 4 गिलास पानी डालूंगी मैं। ये पानी डालने लग गया इसमें, डाल दिया मैंने 1 गिलास पानी और डाला है। 3 गिलास का मैंने वो शीरा बनाया हुआ था गुड़ का, अब मैं ढक्कन लगा देती हूँ तो उबाल आएगा। उबाल के बाद 5 मिनट पकाना है ये सीड, जो मेथी सीड है ये अच्छी तरह गल जाएं, तो फिर उसके बाद चावल डालेंगे। देखें बारिश हो रही है, नज़दीक से दिखाती हूँ आप लोगों को, कबूतर वहाँ टेबल के नीचे छुप गए हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे। मैंने बीज डाले हैं, देखते हैं कब निकलते हैं। कोई धूप नहीं है आज। अभी मेथी दाना गला नहीं है, थोड़ा सा रखेंगे और थोड़ी देर इसको, फिर चावल डालेंगे इसमें। चले मैं अब चावल डालने लगी हूँ। कैमरा पकड़ा हुआ, इसको ढक देंगे। चावलों में पानी थोड़ा ही रह गया, बस अब हम दम लगाएंगे। पके हैं चावल तो ये दम में पकेंगे। तकरीबन 10 मिनट इसको दम देना लगाएंगी। मैं अपने बेटे के लिए बना रही हूँ पराठा, देखें बटर वाला, बटर लगाया इसमें। क्रिस्पी क्रिस्पी चावल को दम लगा दिया, तैयार हो गए हैं देखे माशाल्लाह। गुड़ वाले चावल हमारे तैयार हो गए हैं ये देखिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।